आज के वीडियो में कुछ स्पेशल है क्योंकि अगर आपको ऑलरेडी पता नहीं होगा SLS गेम्स, सो SLS का फुल फॉर्म है स्ट्रीट लीग स्केटबोर्डिंग। और अगर आपने देखा रहेगा स्ट्रीट लीग स्केटबोर्डिंग पहले वो थोड़ा सीरियस टाइप कॉन्टेस्ट है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्केट कॉन्टेस्ट है और ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ पर लोग जाते हैं। वो स्टार्ट हुआ था USA में, रॉब रेडिक वन ऑफ द प्रो स्केटर्स, उन्होंने ये कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया 2010 में। फर्स्ट विनर वॉज नाइजर ह्यूस्टन, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो वो चीज़। और थोड़े साल पहले उन्होंने एक नया कॉन्टेस्ट जो इतना सीरियस नहीं, मोर फन स्केटबोर्डिंग साइड जो रहता है वो लोग कैप्चर करने के लिए उन्होंने एक नया क्या बोलते हैं सीरीज बनाया और उसको वो लोग बोलते हैं SLS गेम्स। दोनों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो आपको एक्चुअल स्केटबोर्डिंग भी देखने मिलेगा और जो दुनिया में चल रहा है जैसा स्केटबोर्डिंग, वो स्केटबोर्डिंग जा चुका है। तो आगे बढ़ते हैं SLS गेम्स की तरफ। तो SLS गेम्स में एक पार्ट था जिसमें मैनुअल कॉन्टेस्ट था, और अगर आपको पता नहीं रहेगा तो मेरा फेवरेट स्केटबोर्डर है शेन ओनील, बहुत टाइम तक उनके शूज भी चला रहा था। तो यस, वो भी वो कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रहे थे और उन्होंने एक कॉन्टेस्ट मैनुअल वाला जिसमें द वन हु डज द मोस्ट क्या बोल सकते द लॉन्गेस्ट मैनुअल जीतता है। तो फर्स्ट वाले में शेन ओनील जीता था और उनका टाइमिंग था 1:10। ये शेन ओनील का रिकॉर्ड है और ये जस्ट रैंडम फन रिकॉर्ड है, ये सीरियसली वो नहीं करे। अगर सीरियसली करने गए तो क्या ही पता भाई, 15-20 मिनट खड़े रहे। लेकिन फिलहाल 1:32 सेकेंड्स हम लोग, ये जो फोकस में नहीं है वो मैं स्क्रीन पर डाल दूँगा, ये बीट करने का ट्राई करो। लेट्स गेट इट डायरेक्टली राइट अवे हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोई टाइम ना वेस्ट किए और लेट्स बिगिन विथ। मैं मेरे हाथ में ही फ़ोन लेके ये करूँगा और देखते हैं। ये है हमारा स्टॉपवॉच और यस मैं क्या चलाऊंगा, मैं देखो नहीं है सेकेंड्स। तो मतलब और सेम चीज़ बस 3 times। ओके
distracted myself, मैंने खुद को distract किया और we landed at 222. I think वो Gabriel का भी beat नहीं करता, तो I'll have to go for it again. Fuck, but Chainery का हो गया. Hello.